हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए या सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप कॉमर्स सब्जेक्ट से किस तरह से टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाएंगे, किस तरह से आप एक मॉडल बना सकते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप चार्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है, तो चलिए लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको चार्ट देखने को मिलेगा, कौन कौन से टॉपिक पर आप कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए हिंदी मीडियम के लिए चार्ट बना सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कॉमर्स विषय की, तो आपको इंग्लिश मीडियम के लिए भी टॉपिक पर चार्ट बताए जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग चार्ट को देखेंगे। यहाँ पर आपको चार्ट के अकॉर्डिंग थ्योरी भी देखने को मिलेगी और आपको समझाया जाएगा किस तरह से आप अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट के माध्यम से, जब वाइवा या प्रैक्टिकल होगा तब। तो यहाँ पर जितने भी चार्ट बताए गए हैं उन सभी का प्रेजेंटेशन भी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने टॉपिक को क्लास में प्रेजेंट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चार्ट को लेकर के, जो कि है हमारा बेरोजगारी के प्रकार पर। तो इसे आप कॉमर्स सब्जेक्ट के अलावा SST यानी सामाजिक अध्ययन विषय के लिए इकोनॉमिक्स पार्ट में भी बना सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक का पहला चार्ट देखेंगे, जो कि है बेरोजगारी पर, बेरोजगारी के प्रकार पर। इससे पहले हम अपने चार्ट को समझेंगे कि बेरोजगारी होती क्या है। तो सामान्य शब्दों में आप सभी को पता है कि बेरोजगारी क्या है, तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि बेरोजगारी क्या है। तो कई सारे विद्वानों ने बेरोजगारी की परिभाषा बताई है, जिसमें पीगो महोदय ने बताया है। इनके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, परंतु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हमारे देश की हालत क्या है, हमारे देश में कितने सारे बेरोजगार हैं। कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, उनके पास काम की कमी है। उनके पास टैलेंट तो बहुत है, वो मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन उनके पास कोई भी काम नहीं है, तो इस तरह से वो बेरोजगार कहलाएंगे। तो यहाँ पर सामान्य शब्दों में आप समझ सकते हैं कि बेरोजगार वह है उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिसके पास कोई साधन नहीं है रोजगार का, लेकिन वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है। इसी तरह से अन्य परिभाषाएं भी दी हुई हैं ऑथर्स के अकॉर्डिंग, आप इन्हें पढ़ करके समझ सकते हैं। इसी तरह रफिन महोदय ने भी बेरोजगारी को परिभाषित किया है। तो बेरोजगारी को मैंने बता दिया है आसान से शब्दों में, आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक का चार्ट है वो है बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी कई प्रकार से होती है, यहाँ पर 10 रूपों में आपका जो बेरोजगारी है उसको परिभाषित किया गया है, जिसमें सामान्य बेरोजगारी क्या है उसे हम देख लेते हैं। तो यह वह स्थिति होती है जिसमें कि व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार है, परंतु उसे कोई भी रोजगार नहीं मिल पाया है। मतलब जो भी वो बेरोजगारी सामने उसकी आई है, वह प्रचलित दर पर भी कार्य करने को तैयार है, परंतु उसे रोजगार नहीं मिल पाया है, तो ये सामान्य बेरोजगारी हो गई। स्वैच्छिक बेरोजगारी, इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, जब किसी व्यक्ति को वर्तमान मजदूरी दर पर काम मिल रहा है लेकिन वह अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता है, तो उसे स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी मनपसंद रोजगार के लिए किसी अन्य रोजगार को छोड़ता है, तो वह आपकी स्वैच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी। इसके अंतर्गत काम तो मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह उस काम को करना चाहता है कि नहीं, ठीक है। थर्ड इसमें हम देखेंगे अक्षमता बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं है, तब इस प्रकार की बेरोजगारी को हम अक्षमता बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। यानी कि क्षमता अथवा एबिलिटी नहीं है उस काम को करने के लिए। उसके बाद फोर्थ है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसके अंतर्गत जब किसी राष्ट्र में भौतिक, वित्तीय और मानवीय संरचना कमजोर होने के कारण रोजगारों का अभाव होता है, तब उस बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो बेरोजगारी होती है वो हमारे देश पर निर्भर करती है। इसमें भौतिक संरचना में जैसे परिवहन का अभाव, बिजली का अभाव, उत्पादन आदि का अभाव, वित्तीय में राष्ट्र में निवेश का अभाव होना, मानवीय में
कुशल मानव संसाधन का अभाव, कौशल या ज्ञान और तकनीकी का अभाव, तो ये हो जाएगी हमारी संरचनात्मक बेरोजगारी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रचंड बेरोजगारी। ये क्या होती है? जब किसी राष्ट्र में किसी भी कार्यस्थल पर आवश्यकता से ज़्यादा लोग नियोजित हों तो इस स्थिति में जो अतिरिक्त कार्यबल है उसे प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में पाई जाती है। अगर कुछ लोगों को कम भी कर दिया जाए तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है प्रचंड बेरोजगारी। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। उसके बाद 6th पॉइंट है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत कार्य समूह को साल में कुछ ही महीनों के लिए कार्य मिलता है तथा बाकी महीने में उसे कोई कार्य नहीं मिल पाती। तो ये हो गई मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के अकॉर्डिंग आती जाती रहती है। उसके बाद है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में पाई जाती है तथा इस प्रकार की बेरोजगारी में शिक्षित कार्य समूह के लोग रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं, यानी वो शिक्षित तो हैं लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है। उसके बाद है चक्रीय बेरोजगारी। जब अर्थव्यवस्था के चक्र में मंदी का दौर आता है तब मंदी से उत्पादन प्रभावित होता है तथा उत्पादन प्रभावित होने से रोजगार प्रभावित होता है। ज़्यादातर यह विकसित देशों में पाई जाती है। मंदी और तेजी की बात करें तो व्यापार में उतार चढ़ाव के कारण होता है। ये आपकी चक्रीय बेरोजगारी कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है अल्प रोजगार। जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर काम ना मिले या फिर जो योग्य व्यक्ति है या योग्यता से कम उसे काम करना पड़े, जैसे मान लीजिए समूह स्नातक व्यक्ति को जब समूह घा के पद पर कार्य करना पड़े जिसकी अर्हता मात्र 10वीं कक्षा है तो वह अल्प रोजगार कहलाएगा, क्योंकि उसकी डिग्री ज़्यादा है और उसे काम जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। ठीक है, न्यूनतम है तो वह अल्प रोजगारी कहलाएगी। उसके बाद अल्प रोजगार फिर से वही पॉइंट है। उसके बाद 10th नंबर का है घर्षणात्मक बेरोजगारी। यह अर्थव्यवस्था में आने वाले निम्न परिवर्तन से उत्पन्न होती है, जैसे जब व्यक्ति अपने रोजगार में परिवर्तन की इच्छा है तो अपने वर्तमान रोजगार को छोड़ता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है जब कोई पुरानी कंपनी बंद कर नई कंपनी खोली जाती है, जब किसी उद्योग के उत्पादन की मांग किन्हीं कारणों यानी फैशन से कम हो जाती है, ऐसी स्थिति में थोड़े समय के लिए बेरोजगारी उत्पन्न होती है जिसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इस तरह की बेरोजगारी अधिकतर विकसित देशों में पाई जाती है। तो ये हो गई बेरोजगारी के प्रकार। उसके अलावा भी है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। आधुनिक तकनीकी पूंजी प्रधान है, इसके फलस्वरूप श्रम का स्थान जो है मशीनों ने ले लिया है। स्वचालित मशीनों के कारण यह प्रक्रिया और भी तेज हो गई है। कहने का अर्थ है कि जो तकनीकी है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनके बेस पर जो बेरोजगारी आती है, ठीक है, वो आपकी तकनीकी बेरोजगारी होगी। चाहे वह पूंजी के आधार पर हो यानी जो कैपिटल है उसके बेस पे हो, चाहे वह आपका मशीनों के बेस पर है कि जैसे पहले जो काम होता था वो मनुष्य के द्वारा होता था, मानव के द्वारा, अब उनका स्वरूप मशीनों ने ले लिया है। ठीक है, उनकी जगह जो काम करने का तरीका है वह मशीनें कर रही हैं। जैसे आप घर में ही मान लीजिए कि आप कपड़े जो है पहले हाथ से धुलते थे, अब मशीन आ गई, मशीन में डाल देते हैं तो सीधा काम मशीन करती है, तो वो हो गई तकनीकी बेरोजगारी। फिर नेक्स्ट है आपका ऐच्छिक बेरोजगारी, जो इच्छा पर निर्भर करे। ठीक है, इच्छा अनुसार जो बेरोजगारी होती है और अनिच्छा अनुसार जो जिसमें इच्छा ना हो फिर भी बेरोजगारी करनी पड़ती है। जैसे अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति जिसमें श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तैयार हो परंतु उसे काम नहीं मिले, इसे खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। तो ये हो गई ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी। तो इस तरह से यहाँ पर आपने बेरोजगारी के प्रकारों को समझा। इसके चार्ट को हम देख लेंगे कि किस तरह से आप इसके चार्ट को तैयार करेंगे। यहाँ पर इसके चार्टों को दो तरीकों से बताया गया है, जिसमें आपका ये पहला चार्ट। तो यहाँ पर हमारा पहला चार्ट है बेरोजगारी के प्रकार, जिसमें सामान्य बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी। आप बेरोजगारी के प्रकार पर कॉमर्स विषय के लिए चार्ट बना सकते हैं और चीज़ों को समझा भी सकते हैं।
नेक्स्ट है यातायात के साधन। इस पर मैंने चार्ट बनाया हुआ है, मॉडल बनाया हुआ है। इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया इसके टॉपिक को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके चार्ट को ही देखेंगे कि यातायात के कौन कौन से साधन होते हैं। इसमें हमारा सड़क परिवहन है, जल परिवहन है और वायु परिवहन है। सड़क में आपके दिया है ट्रैक्टर हो गया, रेलगाड़ी हो गया, बैलगाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। ठीक है, इस तरह से जो सड़क पे चलते हैं सड़क परिवहन। जल द्वारा जो परिवहन होता है जैसे नाव हो गया, स्टीम बोट हो गई, ठीक है, बोट हो गई, तो इस तरह से जो जल द्वारा चले पनडुब्बी वगैरह वो जल परिवहन है। वायु परिवहन में जो वायु मार्ग से जाते हैं जैसे आपका ज़्यादातर हेलीकॉप्टर है, हॉट एयर बलून है और ये आपका एरोप्लेन, इस तरह से ये वायु परिवहन। तो ये यातायात के साधन हैं। इसे आप SST यानी सामाजिक अध्ययन विषय के लिए भी बना सकते हैं, साथ ही कॉमर्स विषय के लिए भी बना सकते हैं। अब हम समझेंगे व्यापार के प्रकार। व्यापार क्या होता है उसको समझेंगे और व्यापार के प्रकार को भी देखेंगे। तो व्यापार समझ लेते हैं व्यापार क्या है। तो सबसे पहले व्यापार का अर्थ देखेंगे। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था को सामान का स्वामित्व अंतरण एवं मूल्य के बदले सेवा प्रदान करना व्यापार कहलाता है। स्वामित्व का अंतरण सामान, सेवा या मुद्रा के बदले किया जाता है। जिस नेटवर्क संरचना में व्यापार किया जाता है उसे बाजार कहते हैं। सिंपल से शब्दों में कह सकते हैं कि व्यापार क्या है, जिसमें हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं मुद्रा और सेवाओं के माध्यम से, वो आपका व्यापार कहलाता है। यहाँ पर जैसे एक ही स्थान पर बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना ई कॉमर्स कहलाएगा और मोबाइल के माध्यम से व्यापार करना एम कॉमर्स कहलाएगा। आजकल तो आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है। ठीक है, नेट बैंकिंग जिसमें व्यापार का प्रमुख माध्यम बन गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे व्यापार एवं व्यापार के प्रकार। तो व्यापार मैंने बता दिया, वस्तुओं को खरीदने और बेचने का कार्य व्यापार कहलाता है। व्यापार बाजार में होता है। बाजार के आकार और स्थिति के आधार पर व्यापार को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा पहला है स्थानीय व्यापार, दूसरा है प्रादेशिक व्यापार, तीसरा है अंतर्राज्यीय व्यापार और फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो पहला हम स्थानीय व्यापार देखेंगे कि स्थानीय व्यापार क्या होता है। तो इसमें पहला है स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार की बात करें तो व्यापार किसी स्थान विशेष के अंदर क्षेत्र विशेष में स्थानीय लोगों के मध्य होता है तो व्यापार स्थानीय व्यापार कहलाता है। मान लीजिए कोई स्थान है, कोई क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत पूरा आपका व्यापार चल रहा है। मान लीजिए दुकान है कि यहाँ पर अलग एक ही क्षेत्र में अलग अलग पार्ट में डिवाइड है और व्यापार हो रहा है, वो आपका स्थानीय व्यापार होगा जो कि एक स्थान विशेष के अंतर्गत होगा। है प्रादेशिक व्यापार की बात करें, जब एक ही प्रदेश के एक ही राज्य के विभिन्न भिन्न नगरों के स्थानों के मध्य जो व्यापार होगा वह प्रादेशिक व्यापार होगा। मान लीजिए कोई प्रदेश है जैसे कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उसी के अंतर्गत जो भी आपके प्रदेश होंगे, जो भी नगर होंगे, उनमें जो व्यापार होगा वो प्रादेशिक व्यापार होगा। उसके बाद अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार वह व्यापार होता है जिसमें एक ही राष्ट्र के दो अलग अलग राज्यों के मध्य व्यापार किया जाता है। कहने का मतलब होता है जो प्रादेशिक व्यापार होता है वह एक ही राज्य के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आएंगे आपके, ठीक है, वह प्रादेशिक व्यापार होगा। जबकि अंतर्राज्यीय व्यापार में जो एक देश है उसके अंतर्गत जो राज्य हैं उन राज्यों के बीच में जो व्यापार होगा वो अंतर्राज्यीय व्यापार होगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापार का वह रूप है जिसमें व्यापार जो अलग अलग राष्ट्रों यानी दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इसमें एक ही देश में नहीं होगा, इसमें दो अलग अलग देशों की बात की गई है। जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसे हम तीन महत्वपूर्ण घटक रूप से देख सकते हैं, जिसमें आयात होगा। सीधा शब्दों में आयात का अर्थ है जब हमारे देश में माल आता है, किसी भी देश में है अगर हम वो देश में अगर किसी दूसरे देश से माल या सामान आ रहा है तो उसे आयात करना कहेंगे। निर्यात की बात करें तो जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश से अगर
सामान या वस्तुओं को भेजा जा रहा है दूसरे देश, उसे हम निर्यात कहेंगे। उसके बाद पुनः निर्यात, जब एक मान लीजिए कोई एक देश है अमेरिका है, ठीक है, अगर अमेरिका से हम माल मंगवा रहे हैं भारत में, और भारत में जो माल आया है अमेरिका से, भारत ने उसे नेपाल में दे दिया, तो वह हो गया आपका पुनः निर्यात व्यापार। तो इस तरह से व्यापार के जो तीन स्वरूप बताए गए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएंगे, जिसमें आयात होगा जब देश में वस्तुओं को आयात किया जाएगा, मंगाया जाएगा। निर्यात का मतलब जब अपने देश से जो सामान या वस्तुएं हैं वो भेजी जाएंगी, और पुनः निर्यात जब अपने देश में सामान मंगा करके किसी दूसरे देश को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो वह पुनः निर्यात व्यापार होगा। तो इस तरह से व्यापार के प्रकार हमने समझ लिए हैं कि कौन कौन से व्यापार के प्रकार होते हैं। तो इस तरह से इसे भी आप कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए TLM के रूप में बना सकते हैं, इन चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग समझा सकते हैं। चलिए हम चार्ट देख लेते हैं। तो इस तरह से आप व्यापार के प्रकार पर चार्ट बना सकते हैं, जिसमें एक तरफ देशी व्यापार डाल सकते हैं और दूसरी तरफ विदेशी व्यापार डाल सकते हैं। देशी व्यापार में मैंने बताया है आपको, स्थानीय व्यापार, राज्यीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार होंगे, ठीक है। विदेशी व्यापार में आयात होगा, निर्यात होगा और पुनर्निर्यात होगा। तो इस तरह से इसे आप व्यापार के प्रकार कॉमर्स विषय के लिए बना सकते हैं, इसे आप सामाजिक अध्ययन विषय के लिए भी बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चार्ट देखेंगे, बैंक सर्विसेज, यानी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी हैं। तो पहले हम बैंक समझेंगे क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि बैंक क्या है। बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है। लोग अपनी अपनी बचत राशि को सुरक्षित दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार या समय आने पर निकालते रहते हैं। तो इस तरह से बैंक की बात करें तो जो भी हमारी जमा पूंजी होती है, जब अगर हम उसे बैंक में जमा करेंगे तो हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है, और हमारी पूंजी भी सुरक्षित रहती है। तो जो बैंक होता है वो पैसे के लेन देन का काम करता है, ऋण भी देता है, सेवाएँ भी प्रदान करता है, लोगों की बचतों को सुरक्षित भी रखता है। तो इस तरह से बैंक उस संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा ऋण देने का काम करती है। यही सारी चीज़ें बैंक के बारे में बताई गई हैं। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बैंक के कार्य की, तो बैंक कई सारी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे राशि जमा करने तथा ऋण प्रदान करने का कार्य, अतिरिक्त बैंक संबंधी कार्य जैसे सुरक्षा, लॉकर की सुविधा, आभूषण, बहुमूल्य वस्तुओं को जमा रखना, अपने ग्राहकों के लिए उनके चेकों का संग्रह करना, व्यापारिक बिलों की कटौती करना, एजेंसी का काम करना, गुप्त रीति से ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेना देना, ऋण प्रदान करना यानी जो लोन होता है, इस तरह से कई सारी सेवाएँ होती हैं बैंक जिन्हें प्रदान करता है। चलिए हम चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक सर्विसेज में जनता की धनराशि जमा करना, जनता को ऋण प्रदान करना, एजेंट के रूप में काम करना, विविध कार्य में जैसे बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, लोन देना, ठीक है, और कई सारी चीज़ें बैंक सर्विसेज में आ जाएंगी जो कि मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह से इसे आप बना सकते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और भी अभी हम चीज़ें देख लेंगे कि आप कौन कौन सी चीज़ों को बनाएंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चार्ट आएगा वो है कृषि की विशेषताएं। कृषि क्या होती है, आप सभी को पता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि की देन है, कृषि पर ही निर्भर है। तो इसकी कई सारी विशेषताएं हो सकती है, जैसे निम्न उत्पादकता, छिपी बेरोजगारी, वर्षा पर निर्भरता, निर्वाह खेती, परंपरागत आगत, लघु जोतें, भूस्वामी, काश्तकार संघर्ष, पिछड़ी तकनीकें। इसके और भी हम विशेषताओं को देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं। कृषि देश की अधिकांश 64% जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख साधन है। यह राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है।
उद्योगों को कच्चे माल की भरपूर आपूर्ति करता है। हमारे यहाँ कृषि में श्रम की प्रधानता है क्योंकि इसी से लोगों को रोजगार भी मिलता है। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल भी सबसे अधिक है। इस तरह से भारतीय कृषि की कई सारी विशेषताएं हैं, इन पर भी आप TLM चार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा कृषि के प्रकार एवं महत्व पर भी आप चार्ट बना सकते हैं, जिसमें कृषि के प्रकार में दिया है आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, निर्वाह या जीविकापार्जन कृषि, व्यापारिक कृषि, गहन कृषि, विस्तृत कृषि, गहन या घनी कृषि, आदिम कृषि, रोपण कृषि और अन्य कृषि। तो आप इन पर भी चार्ट बना सकते हैं या मॉडल बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि आप किन किन चीज़ों पर चार्ट या मॉडल बना सकते हैं। अगर हम कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करें तो उद्योग पर भी आप चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। मांग और पूर्ति पर यानी डिमांड और सप्लाई पर चार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप व्यापार और पेशा में अंतर यानी बिजनेस एंड जो प्रोफेशन वर्क होता है, प्रोफेशनल वर्क होता है, उसमें क्या अंतर है, उस पर आप चार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा बैंक के प्रकार पर चार्ट बना सकते हैं। मुद्रा स्फीति और संकुचन पर आप चार्ट बना सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें ग्रेशम्स लॉ, इस पर आप चार्ट बना सकते हैं। मुद्रा टंकड़ यानी मुद्रा की जो छपाई होती है, उस पर चार्ट बना सकते हैं। बैंक के प्रकार के अलावा बैंक के जो भी कार्य होते हैं, उन पर आप चार्ट बना सकते हैं। इस तरह से आप कई तरीके से कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए चार्ट बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।